उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ हेयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन लोगों को बार्डनेस की प्रॉब्लम हो गई है, हेयर थिन हो गए, उनका स्कैल्प नजर आने लगा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप मेरी सारी वीडियो आसानी से देख सको। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेमेडीज की तरफ, अपनी टिप्स की तरफ। तो आपको लेना है आधा चम्मच आपको लेना है दालचीनी पाउडर और 2 चम्मच आपको लेना है शहद, यानी कि आपको लेना है 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर और 2 टेबल स्पून हनी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको जहाँ भी बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ गए, आपका स्कैल्प नजर आने लगा है, वहाँ पे अच्छे से आपको 10 मिनट तक मसाज करनी है, बहुत अच्छे से 10 मिनट मसाज करनी है। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए उसको अपने स्कैल्प पर ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है, ठीक है। आपको ये वीक में एक बार करना है। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। सेकंड रेमेडी में आपको लेना है कर्ड और आपको लेना है एक तांबे का बर्तन, ठीक है। अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग आपको कर्ड ले लेनी है और आपको एक तांबे का बर्तन लेना है, उसमें आपको ऐड करनी है कर्ड, ठीक है, यानी कि दही। आपको उस दही को उस बर्तन में इतना घिसना है, उसको अच्छे से इतना मिलाना है, उसमें इतना घिसना है उस बर्तन में, जो मतलब आपका दही घिस घिस कर ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो आपको 10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद उसको फिर मिक्स करना है उस बर्तन में, बहुत अच्छे से घिसते रहना है, ठीक है। जब आपकी दही ग्रीन कलर की हो जाएगी, रंग बदल देगी बिल्कुल, उसके बाद आपको उस दही को, उस कर्ड को अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करनी है और 13 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है, ठीक है। तो वीक में आपको ये भी एक बार यूज करना है, आपको दोनों रेमेडीज यूज करनी है, ठीक है। वीक में एक बार आपको फर्स्ट वाली रेमेडीज यूज करनी है और वीक में एक बार आपको सेकंड वाली रेमेडी यूज करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक टोनर के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको उस टोनर का यूज करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपके बाल ठीक होने लगेंगे और आपकी बार्डनेस की प्रॉब्लम दूर होगी, जहां से आपका स्कैल्प दिखने लगा है वो स्कैल्प को दिखना बंद हो जाएगा। उम्मीद करती हूं आपके लिए ये मेरी रेमेडीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऐसे ही मेरी सारी वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, लव यू ऑल।